बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर विधानसभा में जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल हुआ तो नीतीश अपना आपा खो बैठे। इतना ही नहीं, नीतीश तू तड़ाक पर उतर आए। उन्होंने भाजपा विधायकों को शराबी भी कहा और सदन छोड़कर चले भी गए। दरअसल बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने छपरा में जहरीली शराब के कारण हुई मौतों का मुद्दा उठाया। उन्होंने जहरीली शराब से हुई मौतों पर सरकार की शराबबंदी नीति को जिम्मेदार ठहराया। की शालीनता समाप्त हो गई, गैर संवैधानिक मर्यादा आप जिस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं, आप इस पद के योग्य नहीं है। आप माफी मांगे, नहीं तो लोकतंत्र में आप एक लज्जित पुरुष के रूप में जाने जाएंगे। आप जिस तरह से अपना पेशेंस खो रहे हैं और जिस तरह का खेल खेल रहे हैं, धमकी भरा, ये खेल से कभी नहीं डरेगा। आज पासी समाज के लोगों पर जिस तरह से जेल भेजा जा रहा है, गरीब गुरबा को जिस तरह से उससे वसूली कर करके और जेल भेज करके आज जेल के अंदर जगह नहीं है। 20,000 से ज्यादा कैदी शराब के नाम पर वो इससे लोग को आप अंदर भेज रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री अपना आपा खो बैठे और विपक्ष के नेता के साथ बदसलूकी करने लगे। आइए सुनते हैं नीतीश कुमार का वो बयान। नीतीश कुमार ने आगे कहा, तुम लोग भाजपा के विधायक गिर गए हो, कितना इज्जत दिया तुम लोगों को, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। सभा में जारी शोर शराबे के बीच सीएम नीतीश कुमार गुस्से में तमतमाते हुए नजर भी आए। मुख्यमंत्री के इस व्यवहार से भाजपा विधायकों में काफी नाराजगी है। उन्होंने नीतीश कुमार से माफी की भी मांग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा ने सीएम नीतीश के बयान को अमर्दित करार देते हुए जमकर नारेबाजी की और नीतीश कुमार से इस्तीफा भी मांगा। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित भी कर दी गई। बिहार में भले ही नीतीश कुमार राजद के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन शराबबंदी को लेकर जेडीयू और आरजेडी एक मत नहीं है। आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को मानसिक दिव्याली पर से ग्रसित बताया। सुधाकर सिंह ने कहा कि किसी भी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगाना मानसिक दिवालियापन है। प्रतिबंध के स्थान पर जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। लोगों को यह समझाया जाना चाहिए कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बता दें कि शराबबंदी वाले बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। इसमें सबसे अधिक मौतें मसरख में हुई हैं। जहरीली शराब से मसरख में 10, अमनौर में 3, मंडोरा में 1 शख्स की जान चली गई है। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइए।